नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिद्धांत गियर पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPCHO की ऑफिशियली आंसर की के बारे में। तो दोस्तों यहां पर जो पूरे 100 क्वेश्चन का सेट पेपर है दोस्तों, तो हम इसमें आपको डिटेल से एक एक जो रेशनल है उसको भी बताएंगे, ताकि जो स्टूडेंट अपकमिंग CHO का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को कहीं पे मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो एक एक ऑप्शन है सबका रेशनल दिया जाएगा दोस्तों, जो कि आपका जो अपकमिंग CHO एग्ज़ाम है उसमें दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि CHO में आप जानते हैं CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो अभी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था MPCHO का, तो उसमें भी जो वेटेज था वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ज़्यादा था दोस्तों, एंड इसी के अकॉर्डिंग अपकमिंग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको ध्यान से वीडियो देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें MPCHO का जो ऑफिशियली आंसर की था, तो दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मेन BSc नर्सिंग के 30 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, एंड यहाँ से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN से 60 क्वेश्चंस एंड GK से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं जो मेन BSc नर्सिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डाटा रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग द हेल्थ सिचुएशन एंड डिफाइनिंग द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ए कम्युनिटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण करने और किसी समुदाय की स्वास्थ्य समस्या को परिभाषित करने के लिए आवश्यक डाटा में शामिल है, सिवाय कि एक को छोड़ के। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा डाटा मतलब कि रिक्वायर है, द हेल्थ एनालाइजिंग द हेल्थ सिचुएशन मीन्स हेल्थ सिचुएशन का एनालिसिस करने के लिए एंड डिफाइनिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी, और कम्युनिटी का हेल्थ प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए एक को इनमें से छोड़कर। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सेकेंड है कल्चरल फैक्टर, और थर्ड है स्पिरिचुअल फैक्टर, एंड फोर्थ यहाँ पर दिया गया है डेमोग्राफिक फैक्टर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन थर्ड होगा स्पिरिचुअल फैक्टर, ए यहाँ पर राइट होगा दोस्तों, क्योंकि किसी कम्युनिटी की जो हेल्थ प्रॉब्लम का डिफाइन करने के लिए एंड हेल्थ सिचुएशन का के एनालिसिस के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड की आवश्यकता होती है हमें, उसमें से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी हमारा इंक्लूड होता है, कल्चरल फैक्टर भी इंक्लूड होता है, एंड डेमोग्राफिक फैक्टर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है सिवाय स्पिरिचुअल फैक्टर के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या जाएगा, स्पिरिचुअल फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। आशा की जो भूमिका एंड जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या हैं एक को छोड़ के। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से पूछे गए हैं आशा के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एक को छोड़ के। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक डायरिया, मीन्स जो मेडिकल केयर देती है प्राइमरी मेडिकल केयर, जैसे कि माइनर एलिमेंट्स डिसीज हो गए, जैसे कि डायरिया हो गया, तो इसके लिए प्राइमरी मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। सेकंड है प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI गाइडलाइंस, एंड थर्ड है प्रोवाइड डॉट्स ट्रीटमेंट्स, एंड फोर्थ है क्रिएट अवेयरनेस ऑन न्यूट्रिशन एंड बेसिक सैनिटेशन। तो यहाँ पर जो आशा है उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या आता है, वो जो प्राइमरी मेडिकल केयर्स होते हैं माइनर एलिमेंट्स डिसीज के लिए, उसको प्रोवाइड कराती है, एंड डॉट्स थेरेपी जो है डॉट्स थेरेपी ट्रीटमेंट उसको भी प्रोवाइड कराती है, एंड यहाँ पर जो न्यूट्रिशन एंड बेसिक सैनिटेशन के लिए को लेकर अवेयरनेस है उसको भी क्रिएट करती है, जागरूकता फैलाती है दोस्तों। बस यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड दिए हैं प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI गाइडलाइन, तो दोस्तों यहाँ पर IMNCI का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस।
तो जो आशा होती है वो IMNCI की गाइडलाइंस के तहत मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं करती है। तो इसमें ऑल एक्सेप्ट पूछे थे, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा कि जो आशा है वो प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI गाइडलाइंस के तहत जो मेडिकल केयर दी जाती है उसको प्रोवाइड नहीं करती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज रिकमेंडेड बाई, तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर PSC जो होता है दोस्तों, प्राइमरी हेल्थ केयर उसकी रिकमेंडेशन जो है उस सिफारिश जो है वो किस कमेटी ने किया था, यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में ये है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, भोर कमेटी, सेकंड क्या है मुदालियर कमेटी, थर्ड क्या है मुखर्जी कमेटी, एंड फोर्थ क्या है यहाँ पर करतार सिंह कमेटी। तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी उसके लिए जो सिफारिश दिए थे उस किस कमेटी ने दिए थे, तो उसके लिए भोर कमेटी ने सिफारिश दिया था। तो यहाँ पर जो भोर कमेटी है उसने क्या किया था कि जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर का उसके लिए रिकमेंडेशन किया था। तो यहाँ पर सेकंड देख लेते हैं, जो मुदालियर कमेटी है दोस्तों उसने क्या किया था, वो क्या होता है, तो जो मुदालियर कमेटी है उसको हम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि कमेटी से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, जो CHN का अगर पोर्शन होता है, खासकर CHO के एग्ज़ाम में, तो CHO के एग्ज़ाम CHN का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर कमेटी से एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो कमेटी को आपको अच्छे से रीड करके जाना है जो अपकमिंग CHO का एग्ज़ाम है दोस्तों। जैसे कि अभी MP CHO का ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें CHN का वेटेज इसमें भी ज़्यादा रहेगा आपका। तो यहाँ पर जो मुदालियर कमेटी है उसका क्या मतलब हुआ कि इसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मुदालियर कमेटी को और क्या किस नाम से हम जानते हैं। एंड यहाँ पर थर्ड है मुखर्जी कमेटी, तो मुखर्जी कमेटी का जो मेन रिकमेंडेशन था वो क्या था, सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग, मीन जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया जाता है उसके लिए जो स्टाफ होते हैं वो सेपरेट रहने चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर दिए हैं करतार सिंह कमेटी, तो करतार सिंह कमेटी जो है वो क्या कौन सी कमेटी थी, ऐसी कमेटी थी जो कि मल्टी प्रपोज हेल्थ वर्कर के लिए बनी थी दोस्तों, जिसमें कि जो हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे थे उसमें मल्टी प्रपोज हेल्थ वर्कर को लेकर क्या क्या जो नीतियाँ थी उसको इसमें रिकमेंड किया था दोस्तों। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछे थे कि प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो उसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ से, भोर कमेटी। तो यहाँ से वो कमेटी से जो हैं बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि किस ईयर में कौन सी कमेटी का मतलब कि गठन हुआ था दोस्तों, एंड क्या क्या रिकमेंडेशन थी, तो ऐसे करके कमेटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लगभग आता ही है हर एग्ज़ाम में, हर CHO के एग्ज़ाम में कमेटी से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो यहाँ से कमेटी को आपको अच्छे से रीड करके ही जाना है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। द ग्रास मोटर डेवलपमेंट ऑफ 6 to 8 month ओल्ड इन्फेंट इज, मीन्स जो 6 से 8 month का एक ओल्ड इन्फेंट बेबी है उसका ग्रास मोटर डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं होल्ड हेड रिएक्ट, सेकंड दिए हैं सिट्स विदाउट सपोर्ट, थर्ड दिए हैं क्राउलिंग मींस रेगना, फोर्थ दिए हैं स्टैंड विद सपोर्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ग्रास मोटर डेवलपमेंट है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो ग्रास मोटर डेवलपमेंट है वो एक बेबी की एबिलिटी होती है लर्निंग की, जो लर्निंग की एबिलिटी होती है एक बेबी की डेवलपमेंट के साथ साथ उसको क्या बोलते हैं, ग्रास मोटर डेवलपमेंट। तो 6 से लेकर 8 month के एक ओल्ड बेबी का जो ग्रास मोटर डेवलपमेंट है इसमें से आपका क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा 6 to 8 month ओल्ड इन्फेंट बेबी के लिए, तो जाएगा सिट्स विदाउट सपोर्ट, मीन जो 6 to 8 month का बेबी होता है इन्फेंट होता है वो विदाउट सपोर्ट के बैठने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर दिए हैं होल्ड हेड रिएक्ट, इसका क्या मतलब है कि बेबी जो है वो अपने सिर को सीधा रख पाता है, किस मंथ में रख पाता है, 1 to 2 month में
रखने लगता है अपना जो हेड है बेबी का वो सीधा रखने लगता है। एंड यहाँ पर सेकेंड बात करें सीट्स विदाउट सपोर्ट, तो इसमें जो 6 to 8 month में बेबी क्या करता है वो बैठने लगता है बिना किसी सपोर्ट के। एंड क्राउलिंग यहाँ पर दिए हैं, क्राउलिंग कब होता है, तो क्राउलिंग 9th month में, मीन्स 9th month में जो बेबी होता है वो रेंगने लगता है। एंड स्टैंड बी सपोर्ट कब करता है बेबी, तो जो बेबी है मीन्स बिना किसी सपोर्ट के वो सॉरी जो बेबी होता है उसकी किसी सपोर्ट के सहारे अगर जब खड़ा होने लगता है तो उस किस मंथ में होता है, तो वो होता है आपका 8th से 9th month में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सीट्स विदाउट सपोर्ट, जो 6 to 8 month का ओल्ड इन्फेंट होता है वो सीट्स विदाउट सपोर्ट मतलब कि बैठने लगता है 6 to 8 month में। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फ्लैटनिंग आर फॉलिंग ऑफ द चाइल्ड वेट कर्व इज एन अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ, मीन्स इसमें क्या पूछ रहे हैं कि जो एक बेबी है उसका जो वेट है उसके वेट में उसके जो वेट है तो कर्व में उसका वेट कब कम होने लगता है, मतलब कम जब कम दिखाता है तो उसका अर्लीस्ट इंडिकेशन क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है विटामिन डिफिशियंसी, अगर विटामिन डिफिशियंसी हो तब, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड वहाँ यहाँ पर ओआम इन्फेस्टेशन दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM। तो यहाँ पर जब बेबी में PEM की कमी हो जाती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है बेबी, तब उसका जो वेट कर्व है तो वो नीचे जाने लगता है। तो यहाँ पर जो PEM है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें बेबी में अंडर वेट देखने को मिलता है, स्टेंटिंग देखने को मिलता है मीन्स जो ग्रोथ आता है वो डिले हो जाता है, एंड यहाँ पर मसल वेस्टिंग भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो PEM के हैं वो 3 type के होते हैं, क्वार्सी ओर्कर होता है, मरेस्मस होता है एंड क्वार्सी ओर्कर बीस मरेस्मस यहाँ पर टाइप पाए जाते हैं, 3 type पूछे थे। तो यहाँ पर दोस्तों PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से भी एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों PEM, यहाँ से आपसे क्वार्सी ओर्कर एंड मरेस्मस से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से रीड करके जाना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ICDS मींस, ICDS के अब मींस क्या होता है, ICDS मींस क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट जो होता है स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सॉरी स्कीम। तो यहाँ पर ICDS मींस, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पर राइट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ए 3 to 6 year old चाइल्ड बिलोंग्स टू द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ, एक जो 3 to 6 year का चाइल्ड है बेबी है उसकी डेवलपमेंट स्टेज में यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे पहले इन्फेंट है, फिर टोडलर है, प्री स्कूलर है, यानी स्कूल एज है। तो यहाँ पर जो इन्फेंट है तो उसको अगर बेबी जो 1 साल का हो जाता है 0 से बर्थ से लेके 1 साल तक का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बेबी बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो टोडलर की एज होती है, तो टोडलर की एज क्या होती है, 1 to 3 years, 1 साल से लेकर 3 year तक की जो एज होती है उसको क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। एंड प्री स्कूलर एज क्या होती है, 3 to 6 year एज क्या होती है, प्री स्कूलर होती है। यहाँ स्कूल एज क्या होती है, 6 to 12 year। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा, प्री स्कूलर। तो 3 to 6 year का जो बेबी होता है वो उसको क्या बोलते हैं, प्री स्कूलर। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट जाएगा हमारा ऑप्शन 3, प्री स्कूलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्लेइंग एलोन विथ टॉयज डिफरेंट फ्रॉम दोज हु यूज्ड बाय अदर चिल्ड्रन इन एन एरिया एंजॉयिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन,
एंड मेकिंग नो इफर्ट टू स्पीक विद टीम इज कॉल्ड, मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक बच्चा है जो कि अन्य बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खिलौनों से अलग खिलौने के साथ अकेले खेलना, मीन्स एक बच्चा है जो कि अदर जो बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ ना खेलते हुए एक अपने अकेले खिलौने के साथ वो खेल रहा है, अन्य बच्चों की उपस्थिति का आनंद लेना, उनके साथ बोलने का कोई प्रयास नहीं करना, उसे कहा जाता है। मीन्स आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि एक जो बेबी है वो किस और बच्चों के साथ ना खेलकर अपने ही खिलौने से अकेले में खेलता है और वो किसी से बोलने का या बात करने का प्रयास नहीं करता है, तो उसको जो प्ले ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, उन लोकर प्ले, सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन लोकर प्ले क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात कर लेते हैं उन लोकर प्ले, तो ये होता है कि जो बेबी बर्थ टू 3 मंथ का होता है वो के मतलब कि जो सेल्फ बिना किसी प्रपोज के एम के जो अपने अब जो अब उसका मूवमेंट होता है बॉडी का करता रहता है, तो 0 to 3 मंथ का बेबी तो उसको क्या बोलते हैं उन लोकर प्ले। एंड यहाँ पर सॉलिटरी प्ले क्या होता है कि अभी जो यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक बेबी है वो अन्य बच्चों से अलग अपने ही खिलौने के साथ अकेले में खेल रहा हो एंड उसे और किसी चीज़ से मतलब ना हो तो उसको क्या बोलते हैं सॉलिटरी प्ले। एंड यहाँ पर पैरेलल प्ले मतलब क्या होता है, पैरेलल प्ले ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 2+ मतलब कि 2 साल से ज़्यादा के ईयर के बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो गुरु मतलब कि अपने एज के ग्रुप के बच्चों के साथ है खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं। एंड यहाँ पर एसोसिएटेड प्ले होता है, एक एसोसिएटेड प्ले मींस क्या होता है कि जो 3 to 4 ईयर के चिल्ड्रेन होते हैं वो एसोसिएटेड प्ले खेलते हैं यहाँ पर अपने प्ले ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा सॉलिटरी प्ले, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या जाएगा सॉलिटरी प्ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एन इंडियन एडल्ट इज, मींस एक इंडियन एडल्ट के लिए जो रिकमेंडेशन डाइटरी प्लान है इंटेक प्रोटीन का इंटेक करने के लिए वो क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 1 gram per kg बॉडी वेट, 2 gram kg पर बॉडी वेट, 3 gram per kg बॉडी वेट, 4 gram per kg बॉडी वेट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा 1 gram per kg बॉडी वेट, ऑप्शन ए इज राइट। तो यहाँ पर एक जो इंडियन एडल्ट है उसको जो मतलब कि प्रोटीन इंटेक करना है डाइट के अनुसार उसको कितना करना है 1 gram per kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको प्रोटीन लेना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन डी डिफिशियंसी रिजल्ट, विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमें क्या देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है क्लब फूट, ऑप्शन सेकेंड है ओस्टियोमलाइसिया, ऑप्शन थर्ड है ओस्टियोमलाइटिस, ऑप्शन फोर्थ है ओस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लब फूट क्या होता है। तो क्लब फूट जो होता है वो क्या होता है कि इसमें जो एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है बेबी का, तो इसमें जो बेबी का फीट होता है वो क्या होता है टूवर्ड्स मींस दोनों तरफ की ओर जो उसका फूट होता है वो मुड़ जाता है, कर्व हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं क्लब फूट बोलते हैं। यहाँ पर दिए हैं ओस्टियोमलाइसिया, ओस्टियोमलाइसिया क्या होता है इसमें जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट एंड वीक हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं सॉफ्ट एंड वीक हो जाती हैं। उसके बाद ऑप्शन थर्ड है ओस्टियोमलाइटिस, तो ओस्टियोमलाइटिस में क्या होता है कि इसमें बोन्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब कि अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो इसमें बोन्स को क्या हो जाएंगी बोन्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड यहाँ पर ऑप्शन फोर दिए हैं ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो वीक एंड ब्रिटल हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं वीक एंड ब्रिटल हो जाती हैं, ये मेनली एस्ट्रोजन के जो लेवल होता है वो कम होने पर होता है ऐसा।
और ये ज़्यादातर कंडीशन मीनोपॉज जो वुमेन होती हैं उनमें देखने को मिलता है, मीन्स 45 ईयर के एज के बाद जो वुमेन होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, विटामिन डी डिफिशियंसी रिजल्ट इन, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया इज राइट ऑप्शन। जो ऑस्टियोमलेशिया होता है उसकी किसकी कमी के कारण से होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ सर्टेन कोगुलेशन फैक्टर इन इज स्टिमुलेटेड बाई हुच विटामिन, मीन्स इसमें पूछ रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन आर रिलीज ऑफ सर्टेन कोगुलेशन फैक्टर, मीन्स जो सर्टेन कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उनके प्रोडक्शन आर रिलीज, मीन्स जो उनका प्रोडक्शन आर रिलीज होते हैं वो, तो उसको कौन सा विटामिन स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा, राइट विटामिन के, ऑप्शन 4 इज राइट विटामिन के। क्या करता है कि जो विटामिन के की कमी से क्या होता है कि जो हेमरेजिक कंडीशन हो जाती है दोस्तों, शॉक की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि विटामिन के एक जो कोगुलेशन फैक्टर होता है उसको मेंटेन किए रहता है। यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है, विटामिन के इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द असाइनिंग ऑफ वेरियस रोल्स टू बी परफॉर्म्ड बाई नर्सेज वर्किंग इन द वार्ड इज कॉल्ड, मीन्स वार्ड में काम करने वाली नर्सों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं के सौंपने को निम्न कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, प्लानिंग, सेकेंड है स्टाफिंग, थर्ड है कंट्रोलिंग, फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, स्टाफिंग, मीन्स हॉस्पिटल में जो नर्सेस काम करती हैं वो अगर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अगर मीन्स अगर वो दूसरे स्टाफ में उसको सौंपती हैं देती हैं शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी होती है, तो उसके उसको एक जो मीन्स ऐसा जो कंडीशन होता है उसमें उसको क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। मीन्स इसमें नर्स क्या करती हैं कि जो उनका ड्यूटी आवर्स होता है काम करने का जो टाइम होता है उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट में नर्सेज होती हैं उनको मेंटेन रखना, उनके साथ जो मतलब कि काम करने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको सौंपना क्या कहलाता है, स्टाफिंग। यहाँ पर जो ऑप्शन सेकेंड है वो क्या है, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नर्सिंग कर्मियों के प्रबंधन मैनेजमेंट के उद्देश्य में क्या शामिल है एक को छोड़ के। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, टू अपग्रेड एंड प्रमोट एक्साइटिंग स्टाफ वेयर एवर पॉसिबल, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू टेक ऑल स्टेप्स टू हैव एक्सेसिव हावर्स ऑफ वर्क, टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ रिम्यूनरेशन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, टू टेक ऑल स्टेप्स टू हैव एक्सेसिव हावर्स ऑफ वर्क, मीन्स जो एक्सेसिव हावर्स ऑफ वर्क है उसके लिए सभी कदम उठाना, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट में पूछ रहे हैं, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है ये इसमें नहीं आता है। इसमें क्या क्या आते हैं, टू अपग्रेड एंड प्रमोट एग्जाइटिंग स्टाफ व्हेनेवर पॉसिबल, टू मेंटेन डिसिप्लिन, एंड यहाँ पर टू मेंटेन स्टैंडर्ड फॉर रिम्यूनरेशन, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, असाइनिंग ए ग्रुप ऑफ पेशेंट्स टू ए ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स इज कॉल्ड, मीन्स इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो स्टाफ होते हैं टीम, जो हेल्थ टीम के मेंबर्स होते हैं उनके नेतृत्व में अगर जैसे कि जो हेल्थ टीम के मेंबर्स हुए अगर उनका कुछ उनका जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है तो उनमें अगर कुछ काम उनको दूसरे डिपार्टमेंट से पड़ गया है तो फिर उसमें जो मेथड्स यूज किए जाते हैं एक काम को दूसरे स्टाफ को सौंपने के लिए जो काम में मेथड यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टीम मेथड्स कहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन 2 टीम मेथड।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कवर्स एम्प्लॉइज ड्राउनिंग वेजेस नॉट एक्सीडिंग। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, सॉरी यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया गया है जिनका निम्न में से एक से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट है 19,000 पर मंथ, सेकेंड है 20,000 पर मंथ, थर्ड है 21,000 पर मंथ, फोर्थ है 22,000 पर मंथ। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, 21,000 पर मंथ। मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि जो इम्प्लॉई हैं स्टेट इंश्योरेंस के, तो उसमें जो इनमें से पूछ रहे हैं एक से अधिक क्या नहीं दिया जाता है, कितना जो सैलरी होती है पर मंथ कि उसमें नहीं दिया जाता, तो 21,000 पर मंथ से ज़्यादा सैलरी इसमें नहीं दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस रिजल्ट इन, मीन्स कि एक्सीडेंट के दौरान जो सीवियर ब्लड लॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, शॉक, एनाफिलैक्सिस, सेप्सिस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या जाएगा, शॉक। मीन्स एक्सीडेंट के दौरान जो सीवियर ब्लड लॉस होता है तो उसमें क्या हो जाता है, हीमरेज की कंडीशन, हीमरेज ज़्यादा हो जाता है जिससे कि शॉक की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पैरामीटर्स एसेस यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल आर, मीन्स जो GCS स्कोर होता है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स एसेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिए हैं, आई ओपनिंग रिस्पांस, बेस्ट वर्बल रिस्पांस, बेस्ट मोटर रिस्पांस। सेकंड दिए हैं, आई रिस्पांस, बेस्ट वर्बल रिस्पांस, बेस्ट स्टिमुलाई रिस्पांस। थर्ड दिए हैं, आई रिस्पांस, बेस्ट रिस्पांस, बेस्ट मोटर रिस्पांस। फोर्थ दिए हैं, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, आई ओपनिंग रिस्पांस, बेस्ट वर्बल रिस्पांस एंड बेस्ट मोटर रिस्पांस। तो यहाँ पर जो सेकेंड, सॉरी यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, आई ओपनिंग रिस्पांस, बेस्ट वर्बल रिस्पांस एंड बेस्ट मोटर रिस्पांस, ये राइट है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, GCS स्कोर। तो GCS स्कोर क्या करते हैं, GCS स्कोर जो कॉन्शियस लेवल होता है पेशेंट का उसको चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें से एक से लेकर 15 तक का नंबरिंग होता है एंड इसमें जो अगर 3 से नीचे अगर स्कोर आता है तब उसमें क्या हो जाता है, पेशेंट डीप कोमा में चला जाता है। तो यहाँ पर जो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल है यहाँ पर चेक किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो वह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेल्मलिच मैन्यूवियर इज परफॉर्म टू, तो हेल्मलिच मैन्यूवियर किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, टू ट्रीट इन सफिशियंट ब्रीथिंग, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, टू रिमूव ब्लॉकेज फ्राम विक्टिम्स एयरवे एंड फोर दिए हैं, टू प्रोवाइड इफेक्टिव वेंटिलेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या जाएगा, टू रिमूव ब्लॉकेज फ्राम विक्टिम्स एयरवे। हेल्मिच जो मैन्यूवियर होता है वो किस लिए किया जाता है, विक्टिम्स के एयरवे में अगर कोई ब्लॉकेज हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एडल्ट एन्यूरिया रिफर्स टू यूरिन आउटपुट लेस दैन, एन्यूरिया में पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट होता है वो कितना कम हो जाता है। तो एडल्ट में जो एन्यूरिया होता है तो उसमें जो यूरिन आउटपुट होता है कितना कम हो जाता है, 100 ml पर डे। तो ऑप्शन जो है सेकेंड इज डाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हार्मोन सेक्रेटेड बाई आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर, मीन्स जो पैंक्रियाज की आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सेक्रेशन होता है। तो यहाँ पर इंसुलिन, ग्लूकागन एंड सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन्स होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21, द प्राइमरी रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इज, एल्डोस्टेरोन का प्राइमरी रोल क्या होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, कंजर्व सोडियम, प्रमोट पोटेशियम एक्सक्रिएशन, कंजर्व पोटेशियम, प्रमोट सोडियम एक्सक्रिएशन, और कंजर्व सोडियम एंड पोटेशियम, प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम।
तो यहाँ पर जो एल्डोस्टेरोन होता है वो क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो एड्रेनल ग्लैंड होती हैं किडनी के ऊपर उसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ये सेक्रेट होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। ये क्या करता है कि सोडियम को कंजर्व करता है एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है। ये बॉडी में साल्ट एंड वाटर के रेगुलेशन को मेंटेन किए रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सब सेंटर इज रीनेम्ड, सब सेंटर को और अदर किस नेम से जाना जाता है, मीन्स जो सब सेंटर है उसको बाद में जो उसका बाद में नेम चेंज हुआ था उसका रीनेम्ड हो गया था, तो क्या रखा गया था। यहाँ पर ऑप्शन है हेल्थ एंड साइंस सेंटर, हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ साइंस ट्रीटमेंट एंड पैलिएटिव केयर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यहाँ पर जो सब सेंटर का रीनेम है वो क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसीजर बाई व्हिच एमनियोटिक फ्लूड इज ऑप्टेंड फॉर टेस्टिंग इज, मीन्स एमनियोटिक फ्लूड के टेस्टिंग के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है एमनियोटिक फ्लूड को एस्पिरेट करने के लिए उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस। हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा, एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिफोर बर्थ द एल्वियोलाई इन ए बेबीज लंग्स आर एक्सपेंडेड एंड फिल्ड विद, मीन्स बर्थ के पहले एक बेबी के लंग्स में जो एक बेबी के लंग्स के एल्वियोलाई में जो फ्लूड फिल्ड रहता है उसको क्या कहते हैं, सॉरी इसमें पूछ रहे हैं कि बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले बेबी के लंग्स का जो एल्वियोलाई होता है ओ मीन्स ओ एक्सपेंडेड जो रहता है एंड फिल्ड विद, मीन्स जो बेबी का एल्वियोलाई है वो एक्सपेंडेड रहता है और उसमें क्या भरा रहता है पूछ रहे हैं, तो उसमें फ्लूड भरा रहता है, क्या भरा रहता है, फ्लूड भरा रहता है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मलेरिया के डायग्नोस्टिक टेस्ट जो किया जाता है वो इसमें से एक को छोड़कर क्या है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑप्शन ए, सेकेंड क्या दिया है सीरोलॉजिकल टेस्ट, ऑप्शन थर्ड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, यहाँ पर फोर दिए हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो यहाँ पर जो मलेरिया के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है क्या क्या किया जाता है, RDT जो किया जाता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है वो मलेरिया के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फोर है वो राइट होगा, इसमें एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी इज, तो हेपेटाइटिस सी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या होता है, तो यहाँ पर हेपेटाइटिस जो होता है वो फाइव टाइप के होते हैं, सॉरी हाँ फाइव टाइप के यहाँ पर हेपेटाइटिस होते हैं। तो जो हेपेटाइटिस ए होता है वो फीको ओरल रूट से फैलता है एंड हेपेटाइटिस बी जो होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या कंटामिनेटेड नीडल के द्वारा फैलता है एंड हेपेटाइटिस सी जो होता है वो कंटामिनेटेड ब्लड के द्वारा फैलता है एंड हेपेटाइटिस डी जो होता है वो कैसे फैलता है, वो अगर किसी पेशेंट में हेपेटाइटिस बी अगर पहले से ही प्रेजेंट है तो उसको हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस रहते हैं एंड हेपेटाइटिस ई जो है वो भी फीको ओरल रूट के द्वारा ही फैलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड होगा कंटामिनेटेड ब्लड ए यहाँ पर राइट होगा, हेपेटाइटिस सी कंटामिनेटेड ब्लड के द्वारा फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर एन इन्फेंट एट 9th month ऑफ एज, मीन्स 9 month ऑफ एज का एक बेबी है उसको विटामिन ए की कितनी डोज दी जाती है, तो 9th month ऑफ बेबी के एज के बेबी को विटामिन ए की 1,00,000 IU डोज दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर, ट्यूबरकुलोसिस के लिए फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है उसमें क्या क्या दिया जाता है। तो यहाँ पर टीबी के लिए जो ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत वो क्या हो जाती होती हैं, HRZES। तो यहाँ पर एस मतलब आइसोनियाजिड, आर मतलब रिफाम्सिन और
जेड मीन्स पैराजीनामाइड और ई मीन्स इथाम्बिटोल एंड एस मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन डॉट थेरेपी से पूछे जाते हैं कि तो यहाँ पर कौन कौन से ड्रग्स होती हैं, एच आर जेड ई एस, तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है वो यहाँ पर राइट है, सॉरी हाँ ऑप्शन जो फर्स्ट है आइसोनियाजिड रिफामसिन पैराजीनामाइड इथाम्बिटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन ए राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द वेरियस ड्रग्स यूज्ड फॉर लैक्टेशन सप्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो इसमें से ड्रग्स दिए गए हैं वो लैक्टेशन सप्रेस करने के लिए कौन कौन से हैं एक को छोड़ के। तो यहाँ पर फर्स्ट देख लेते हैं, टैबलेट कैबरगोलाइन, टैबलेट पायरिडॉक्साइन, इंजेक्शन मिक्सोजन एंड इंजेक्शन मेथार्जिन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, इंजेक्शन मेथार्जिन, क्योंकि मेथार्जिन किस लिए दिया जाता है कि आफ्टर बेबी के बर्थ के बाद जो ब्लीड होता रहता है उसको रोकने के लिए मेथार्जिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर आल एक्सेप्ट पूछे हैं लैक्टेशन सप्रेशन के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उसमें से आल एक्सेप्ट पूछे हैं, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, इंजेक्शन मेथार्जिन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ ए गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक अच्छे नर्सिंग सेवा विभाग के आवश्यक पात्रों में सभी शामिल हैं सिवाय की। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, वैल्यूएटिंग नर्सिंग सर्विसेज पीरियोडिकली, फार्मूलेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन प्रोसीजर फॉर नर्सेज, और यहाँ फोर दिए हैं, रनिंग द हॉस्पिटल विद मिनिमल स्टाफिंग। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, रनिंग द हॉस्पिटल विद मिनिमल स्टाफिंग, मीन्स एक जो गुड नर्सिंग सर्विसेज होती है उसके लिए एसेंशियल कैरेक्टर क्या होते हैं कि रनिंग द हॉस्पिटल विद मिनिमल स्टाफ, कि जो एक हॉस्पिटल होता है मिनिमल अगर उसमें स्टाफ की कमी है तब भी वो अच्छे से रन करता रहे। तो यहाँ पर दोस्तों जो 30 क्वेश्चन हैं वो मेन बीएससी नर्सिंग के आए थे, जो सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, एंड यहाँ पर आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।